हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पहाड़ी चटकारा। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक स्पेशल तरीके का नाश्ता जिसे बनाने में बहुत कम टाइम लगेगा और इसे हम गेहूं के आटे और आलू से बनाएंगे। बहुत ही झटपट बन जाएगा और घर के बेसिक मसालों से ही हम इसे तैयार करेंगे, हेल्दी भी होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं आज की रेसिपी कैसे तैयार करनी है। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले तो हम गैस में पैन गरम कर लेंगे। उसमें 2 टेबल स्पून हम यहाँ पे ऑयल डाल देंगे और साथ में डालेंगे हम यहाँ पे तड़के के लिए यहाँ पे काली मिर्ची, इससे बहुत अच्छा स्वाद आता है। और बारीक कटा हुआ अनियन यहाँ पे डाल देंगे, हल्का सा इसे रोस्ट कर लेंगे, यानी कि हल्का सा शैलो फ्राई करना है हमने इसे। अच्छे से इसे हल्का सा पिंक इसमें कलर आने देंगे ताकि जो हमारा इसमें टेस्ट है, सेन के कच्चापन है, वो थोड़ा सा गायब हो जाए। तो उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे थोड़ा सा अदरक और लहसुन का पेस्ट। थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं डालना है। बस 1 सेकंड के लिए इसे ऐसे ही चला लेंगे थोड़ा सा। और उसके बाद हम यहाँ पे ऐड करेंगे कुछ सब्जियाँ बारीक कटी हुई, जैसे कि मैंने यहाँ पर शिमला मिर्च ली है और यहाँ पे फ्रोजन मटन मैं ले रही हूँ। अगर आपके पास गाजर हो तो गाजर भी ले सकते हो, कोई अदर और सब्जी पसंद हो तो वो भी आप ले सकते हो। थोड़ा सा हरी मिर्ची डाल रही हूँ, पर हरी मिर्ची मैं यहाँ पे कम डाली क्योंकि मैं बच्चे के लिए बना रही हूँ ना, तो स्पाइसी थोड़ा सा कम। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद कर रहे हो, अपने लिए बना रहे हो, तो परफेक्ट, आप यहाँ पर मिर्ची ज़्यादा क्वान्टिटी में डालिएगा। तो बस इसे हमने 1-2 मिनट के लिए ऐसे ही हल्के फ्लेम पर इसे शैलो फ्राई करना है ताकि हर चीज़ें तो सब्जी है थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो जब सब्जी हमारी हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी ना, तब इस स्टेज पे हम डालेंगे यहाँ पे थोड़ा सा मसाले। जैसे मैंने यहाँ पे सब्जी मसाला लिया है किचन किंग का, हल्दी पाउडर लिया है और यहाँ पे थोड़ा सा गरम मसाला लिया है, थोड़ा सा टेस्ट अकॉर्डिंग यहाँ पे नमक डाला है। इसे हल्का सा सॉटे कर लेंगे 1/2 सेकेंड के लिए, ज़्यादा नहीं। और उसके बाद हम डालेंगे यहाँ पर उबला आलू, यानी 2 मीडियम साइज़ के उबले आलू मैंने ग्रेट कर लिए थे और वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। तो बस इन्हें हमने अच्छे से मिला लेना है। गैस का फ्लेम लो ही रखिएगा क्योंकि आलू पके हुए हैं और बाकी सब्जियां हल्के हमने सॉटे कर ली हैं। तो बस इन्हें अच्छे से मिलाते हुए ठंडा कर लेंगे। ये हमारा तैयार हो चुका है। तो डो के लिए सबसे पहले हम एक मिक्सिंग बाउल ले लेंगे, उसमें 2 चम्मच हम फ्रेश दही डाल देंगे, साथ में 2 चम्मच हम कुकिंग ऑयल डालेंगे। बस सरसों का ऑयल छोड़ के और कोई भी कुकिंग ऑयल यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पर डालेंगे हम पिज़्ज़ा हर्ब्स और डालेंगे साथ में नमक और डालेंगे यहाँ पर 1/2 चम्मच यहाँ पर बेकिंग पाउडर। सोडा नहीं डालिएगा, यहाँ पे पाउडर डालेंगे। बस इन तीनों चीज़ों को अच्छे से हम मिला लेंगे। बहुत अच्छा स्वाद आता है इस नाश्ते का जब हम इसे तैयार करते हैं। और थोड़ा सा पानी डालेंगे और अच्छे से इसे मिला लेंगे। और उस पर अब हम इसमें डालेंगे एक चीज़, यानी कि हम डालेंगे इसमें जिससे हमें तैयार करना है इसे हेल्दी, इसे हम बनाएंगे गेहूँ के आटे से। तो हम यहाँ पर डालेंगे 1.5 कटोरी गेहूँ का आटा। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। बस पहले हमने इन चीज़ों से इसको आपस में यानी मिला लेना है। तो थोड़ा हमें इसमें पानी कम डालने की ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि ऑलरेडी दही है, तो दही थोड़ा मॉइस्चर होता ही है, दही आपको पता ही है। तो थोड़ा सा पानी डालेंगे हम यहाँ पे, 3 से 4 चम्मच पानी पड़ जाएगा। और इसको हम गूंद लेंगे, यानी कि इसका एक डो बना लेंगे, नॉर्मल डो, जैसे हम आटा लगाते हैं ना, तो सेम डो हम तैयार कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आज की रेसिपी आपको थोड़ी सी भी पसंद आएगी तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए पहाड़ी चटकारा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आटा हमारा तैयार है, इसे 5 से 10 मिनट के लिए हम रेस्ट पे रख देंगे। तो चलिए 10 मिनट बाद हम अपना आटा चेक कर लेंगे। तो बस थोड़ा सा इसे इस तरह से हम 1-2 मिनट के लिए इस तरह से गूंद लेंगे ताकि आटा चिकना हो जाए और अच्छे से इसका नाश्ता तैयार हो। सॉफ्ट बना लेना है, देखिए सॉफ्ट बन चुका है। अब इसमें से छोटी सी हमने लोई ले लेनी है, पूरी से थोड़ी सी बड़ी लोई लेंगे। बस इसे हाथों से थोड़ा सा गोल गोल घुमा लेंगे ताकि चिकना हो जाए। थोड़ा सा आटा डस्ट कर लेंगे और डालेंगे हम यहाँ पे कलौंजी। अगर आपके पास हरा धनिया हो आप हरा धनिया भी डाल सकते हो साथ में। तो बस इसे एक पूरी से थोड़ा सा बड़ा हम इसे बेल लेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो नाश्ता है बच्चों के लिए बना रहे स्पेशल, तो ये थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी होना चाहिए देखने के लिए, क्योंकि बच्चे सबसे पहले देखने में ही देखने में ही जाते हैं। अगर नाश्ता खाना कुछ भी देखने में अच्छा हो तो वो झट से खाएंगे। तो बस इतना हमने इसे बेल लिया है। अब हमने जो मसाला तैयार किया है तो वो हम इसके अंदर भर लेंगे। मसाले की क्वांटिटी थोड़ा ज़्यादा रखिएगा जितना आपको पसंद हो।
तो फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूँ, मैंने अभी भी आपको बताया है कि मैंने ये स्पाइसी नहीं बनाया। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप यहाँ पे लाल मिर्ची भी यूज़ कर सकते हो। तो बस थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसे फोल्ड कर लेंगे। तो मैं इसे पफ का ही एक शेप दूंगी, आप इसे ट्रायंगल हो या अपने मनपसंद कोई भी शेप इसे दे सकते हैं। थोड़ा थोड़ा ऑयल यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी लगाते हुए हम इसे इस तरह से शेप दे देंगे। बहुत अच्छा नाश्ता दिखने में ये लगता है और खाने में तो और भी स्वादिष्ट लगता है। तो इस तरह से हमने जो नाश्ता है वो तैयार कर लेना है। मैंने इसको पेटीज़ की तरह यानी आप इसे बॉम्ब पिज़्ज़ा बॉम्ब भी बोल सकते हो, आलू बॉम्ब भी बोल सकते हो या पफ भी बोल सकते हो, इस तरह से सारा बना लेना है। एक बार मैं आपको और दिखा सकती हूँ कि आप इसे कैसे बनाएंगे। बस थोड़ा सा आटा कलौंजी डस्ट करनी है, उसके बाद इसे थोड़ा सा पूरी से बड़ा बेल लेना है और हरा धनिया हो तो उसको कलौंजी के साथ साथ हरा धनिया भी यहाँ पे ऐड कर सकते हो ताकि और दिखने में ये सुंदर लगे। इस तरह से इसके अंदर मसाला हम भर लेंगे और इसे वही कोने में पानी लगा लेंगे और इसे एक पफ का हम शेप दे देंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप वीडियो देख रहे हैं, आप वीडियो तो देखते ही हैं और वीडियो को बिना लाइक करे जाते हैं, ऐसी क्या मेरी वीडियो में कमी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो इस तरीके से हम सारे जो पफ हैं आलू पफ तैयार कर लेंगे। बहुत सुंदर लगते हैं नाश्ता देखने में और खाने में और भी स्वादिष्ट लगता है। इस तरीके से हम इसे उल्टा कर लेंगे, थोड़ा सा अलग डिफरेंट टाइप का है। अब हम इसमें लगाएंगे पानी। अब आप बोलेंगे पानी क्यों लगा रहे हो, आगे आगे वीडियो में बने रहिएगा। तो इस तरीके से सारे जो पफ बनाए हैं हम इसमें पानी लगा लेंगे और ले लेंगे हम ये लोहे का तवा। हम इसको बनाएंगे लोहे के तवे में। थोड़ा सा पानी से हम इसे तवे को थोड़ा साफ़ कर लेंगे, यानी कि इसको जैसे हम नॉनस्टिक बनाते ना तो नॉनस्टिक के लिए हम हल्का सा ऑयल लगाते हैं, तो हम यहाँ पे पानी से इसको साफ़ करेंगे और जिस साइड हमने पानी लगाया है उस साइड हम इसे तवे में रख देंगे। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप यहाँ पे लोहे का ही तवा यूज़ कीजिएगा। तो बस थोड़ी देर इसे इस तरह से पकने के बाद यानी कि जब ये नीचे के साइड चिपक जाए तब हम इसे इस तरीके से तंदूर की तरह इसे सेकेंगे, यानी कि तवे को उल्टा कर देना है और हल्के हल्के आंच पे इसे हमने पका लेना है। तो है ना बहुत मज़ेदार फ्रेंड्स, बहुत कम टाइम लगता है और सबसे अच्छी बात ये है इसमें ऑयल आपको बिल्कुल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हेल्दी है ना फ्रेंड्स, आप बच्चों के लिए ट्राई कीजिएगा। बच्चे स्कूल में इसको खाएंगे ना तो बहुत पसंद आएगा, यानी कि टिफ़िन आपका फिनिश आएगा। तो इस तरीके से हम इसमें छोटे छोटे जो इसमें बबल्स आए हैं तो इस तरह से हम इसे पका लेंगे अच्छे से, हल्की आंच पे मीडियम आंच पे दोनों ही आंच करके इसे पका लेंगे अच्छे से। तो नाश्ता देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में भी स्वादिष्ट लगता है। तो ये देखिए इनका कितना अच्छा कलर आ गया है। बस एक मिनट के लिए ऐसे ही हम गैस को ऑन करके रखेंगे ताकि अदर साइड भी अच्छे से पक जाए। एक साइड मैं आपको दिखा सकती हूँ ये कितने अच्छे से नीचे से भी ये पक चुके हैं। तो ये देखिए नीचे से भी बहुत अच्छे से सिक गए हैं, ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देखिए 5 से 7 मिनट में ये बनके तैयार हो जाता है। तो बस अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो एक प्लेट में निकाल लिया है, अब हम यहाँ पर डालेंगे घी। हल्का सा घी से ग्रेस करेंगे या बटर भी कर सकते हो, बहुत ही अच्छा स्वाद आता है इससे और बच्चे को देखने में भी अच्छा लगेगा और स्वाद दोगुना बढ़ जाएगा। तो ये हमारे आलू पफ तैयार है फ्रेंड्स। कैसे लगे हैं, बच्चों के स्कूल टिफिन में दे सकते हो, सुबह के हल्के फुल्के नाश्ते भी बना सकते हो, शाम का हल्का फुल्का स्नैक्स में बना सकते हो। बहुत ही टेस्टी और अमेजिंग होता है, बहुत ही अच्छा और टेस्टी होता है फ्रेंड्स। ये मैंने खुद बनाया, मेरे बच्चे को पसंद आया है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसे। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। मिलती हूँ नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।